example related to static storage classes. Inside that, in case of main function, we are creating while loop or preparing as an infinite loop just because of constant condition. We are supplied constant value as 1 or non-zero value. As we know, condition is also always true. In this case, while ko terminate karne ka other way apply kiya hai using break statement. Jaise break ko chance milega, immediately control send hua outside body of this loop. One more things. While ke local block mein two variables create kiye hain, x aur y, lekin dono ke storage classes kaise hain, different. By default x ka default storage class apply hua auto, y ke case mein default storage class kya hai, static. सबसे पहले इस प्रोग्राम को एक बार रीड करोगे, उसके बाद वन बाय वन सॉल्व कर, जितने भी प्रोग्राम से सबसे पहले आपको प्रोग्राम रीड करना चाहिए, आफ्टर दैट सॉल्यूशन अप्लाई करना चाहिए. नेक्स्ट थिंग्स, इस केस में x का टाइप क्या है, ऑटो, इसलिए x का क्रिएट होगा स्टैटिक एरिया, सॉरी स्टैक एरिया. इन y का टाइप स्टैटिक वेरिएबल, इसलिए y का क्रिएट होगा डेटा एरिया. दिस वन इज आउटपुट डिवाइस मॉनिटर. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन और एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स. एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एज वी आर डिस्कसिंग इन प्रीवियस लेक्चर्स. सबसे पहले फर्स्ट सीक्वेंस मार्क किस क्लिक करें, मेमोरी एलोकेशन फॉर वाई. वाई इज क्रिएटेड इनसाइड डेटा एरिया, देयर इज नो नीड ऑफ सप्लाइंग एड्रेस. देन वाई के केस में डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है, 10. वाई इज इनिशियलाइज्ड बाय 10. नेक्स्ट थिंग्स, इसके जस्ट बाद चांस किसको मिलेगा, मेन फंक्शंस को. देन थर्ड केस में परफॉर्म किया कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन के केस में सप्लाई क्या हुआ है, 1 means non-zero number, condition is always true. इसके जस्ट बाद condition true होने के इसमें control send होगा inside body of loop. ऐसे ही control loop के body part में send होगा, तो fourth case में perform क्या हो रहा है, memory allocation for auto variables. इस केस में जब control block में enter हो, then perform क्या होगा, memory allocation only for x not for y, because y is already created. Plus a statement life में only कितनी बार execute होगा, only one times. नेक्स्ट टाइम चांस किसको मिलेगा, फोर्थ केस में एलोकेशन ऑफ एक्स, एक्स इज क्रिएटेड. सपोज दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन फंक्शंस. नेक्स्ट वन, एक्स जब क्रिएट होगा देन एक्स का भी इनिशियल वैल्यू क्या है, 10. आफ्टर गार्बेज 10 के जस्ट बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेटमेंट क्या रहेगा, इस केस में प्रिंट एफ. फिफ्थ केस में चांस किसको मिलेगा प्रिंट एफ को, तो प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स वाई. करेंटली एक्स का वैल्यू फाउंड हो रहा है 10, वाई का वैल्यू फाउंड हो रहा है 10, डिस्प्ले किया 10 10. प्लस कंट्रोल कांस्टेंट होगा ऑन द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन टेस्ट करेंगे देन एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स 10, वाई के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ वाई इज ऑल्सो 10. कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होने के केस में कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड होगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ. मीन्स इस केस में ब्रेक स्टेटमेंट को चांस प्रोवाइड नहीं हुआ है. फिफ्थ के बाद सिक्स्थ केस क्या था, कंडीशन टेस्टिंग इज द सिक्स्थ केस. सेवन्थ केस क्या है, एक्स प्लस प्लस, एक्स में इंक्रीमेंट होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11. देन एट्थ केस क्या है, वाई प्लस प्लस, वाई में इंक्रीमेंट होगा देन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11. हियर वाई इज अ स्टैटिक वेरिएबल, राइट. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद वन टाइम इस लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है. देन एट्थ के बाद जैसे लास्ट स्टेटमेंट वाई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ, इमीडिएटली कंट्रोल कहाँ सेंड होगा, अगेन कंडीशन टेस्टिंग. दिस वन इज अ नाइन्थ केस. तो कंडीशन चेक करोगे इस केस में, अगर कंडीशन को कंसल्टेट करें तो कंडीशन ब्लॉक के अंदर है, आउटसाइड ब्लॉक, आउटसाइड ब्लॉक. इसका मीनिंग क्या हुआ, कहीं ना कहीं कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हो चुका है. अगर कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड हो चुका है, देन इस ब्लॉक में जितने भी ऑटो वेरिएबल्स क्रिएट हुए, सभी ऑटो वेरिएबल्स के लिए डी एलोकेशन परफॉर्म कराएंगे. मीन जैसे ही कंट्रोल बाहर सेंड हुआ, देन डी एलोकेशन किसके लिए हुआ, एक्स के लिए, बिकॉज इस केस में इस ब्लॉक के लिए ऑटो वेरिएबल कौन है, एक्स, नॉट अ वाई. वाई अभी भी मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा है, मीन वाई का भी लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ब्लॉक कंट्रोल ब्लॉक से बाहर है, देन वाई स्कोप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्स के लिए स्कोप भी फिनिश हो चुका है, प्लस लाइफ भी फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट, अगेन कंडीशन अगेन कैसा फाउंड हो रहा है, वन मीन्स कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू ही है. उसके बाद कंट्रोल अगेन कहाँ सेंड हुआ, इनसाइड बॉडी. जब बॉडी के अंदर सेंड हुआ, तो फिर से सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, मेमोरी एलोकेशन फॉर ऑटो वेरिएबल्स. नेक्स्ट टाइम अगेन एलोकेशन ओनली किसके लिए हो रहा है, एक्स के लिए. तो एक्स जब फिर से नेक्स्ट टाइम क्रिएट होगा, एक्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट न्यू वैल्यू क्या होगी, एक्स की 10. नी वैल्यू ऑफ एक्स इज अगेन 10, लेकिन वाई का वैल्यू अभी भी क्या परसिस्ट कर रहा है, 11. दूसरा केस, इस स्टेटमेंट को चांस नहीं मिलेगा, मीन्स एक्स के एलोकेशन के जस्ट बाद कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ सेंड होगा, प्रिंट एफ. देन नेक्स्ट टाइम दिस वन इज अ 11th स्टेटमेंट, 10 11. प्रिंट एफ में एक्स वाई का वैल्यू अगेन डिस्प्ले कराएंगे, एक्स का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है,
10, इसलिए x के लिए क्या डिस्प्ले हुआ 10, y के लिए क्या फॉर्मूला 11, y के लिए क्या डिस्प्ले हुआ 11, देन 11 का नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है 12, 12 में अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे तो कंडीशन में x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या है 10, इसलिए पुट क्या करेंगे 10, y के प्लेस पर क्या पुट होगा y का वैल्यू विच इज 11, 10 लेस देन 11, इज इट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन बिकम्स ट्रू, कंडीशन ट्रू है 12 के बाद 13 केस क्या हुआ ब्रेक, और ब्रेक से कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप 13, जैसे कंट्रोल लूप से बाहर सेंड हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ डी एलोकेशन ऑफ एक्स बिकॉज इट इज ऑटो वेरिएबल्स, 13 के बाद 14 केस क्या है इस एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, जैसे इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ देन परफॉर्म क्या हुआ डी एलोकेशन ऑफ वाई, मीन्स वाई का या डी एलोकेशन का हुआ आफ्टर 14 केस मीन समथिंग 15 लाइक दैट, इन फाइनल केस में आउटपुट क्या आएगा 10 10 एंड 10 11।